उनके परदादे भी आ जाए ना उठ के, परदादे भी आ जाए उठ के तो हिंदू राष्ट्र ना बना सके। आप कह रहे हो कि धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा बनाते हैं, उन्होंने अपने भैया का पर्चा क्यों ना बनाया? आप बागेश्वर धाम से क्यों गायब हैं 10 दिनों से? दोनों भाई भागे घूम रहे हैं। डरा दिया आपने। अरे हम क्यों डरांगे? माँ बाप को तो ना दे घर में एक गिलास पानी और वहाँ जाके करें सवेर से शाम तक चाकरी। ये तो बाबा साहब के नाम को बदनाम करने के लिए बाबा बन रहे हैं कि बाबा साहब को बदनाम करो, बाबा बन लगाते रहो अपने आप को। एक वो काढ़ा है लाला पतंजलि लाला, वो अपने आप को भी बाबा बन रहे हैं स्वामी के। एक धन धन सतगुरु रामपाल, पता नहीं भैया इस दुनिया में कितने बाबा हमें। आपको क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? आपको क्या दिक्कत हिंदू राष्ट्र में? अभी जो आप ये घूम रहे हो ना मीडिया लेके, ये भी ना घूम पाते हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्यों? अरे सबको न्याय मिलेगा। काय को न्याय मिलेगा? पेड़ पौधों को भी न्याय मिलेगा। पहले वो अपने माँ बापों को न्याय दे लें, पहले अपनी बहन बेटियों को न्याय दे लें। हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद क्या वो बहन बेटियों को पढ़ा पाएंगे? शास्त्री ने परिभाषा भी दे दी हिंदू राष्ट्र काय की। वो तो पाकिस्तान को यहाँ हिंदुस्तान में ला रहा है, कहाँ से बना लेगा हिंदुस्तान? हीन और द्वेष है वो हिंदू है, यानी जिसमें जाति पात है वो हिंदू है, समझ रहे हैं आप? और रही बाबा की बात, मैं सबसे पहले तो योगी बाबा के बारे में कहना चाहूँगा, जो जिसके नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं योगी जी के, वो पहले गैंगस्टर रहे हैं। क्या नेतृत्व है? हम उन्हें नेतृत्व काम क्यों करेंगे भाई? हम नहीं, हमारे मुख्यमंत्री क्यों होते? वो प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश हम भी रहते हैं, लेकिन हम वो पर्टिकुलर नहीं कह सकते आप। लेकिन हम कह रहे हैं जब वो पहले आदमी गैंगस्टर रहा है तो क्या कोई गैंगस्टर है? अरे माफ, अगर मान लीजिए आप मालिक हो जाए, आप कहते हैं हमने आपको माफ कर दिया, तो उसका कोई जिम्मेदार थोड़ी। लेकिन जो उसके रक्त में जो बदमाशी भरी हुई है, जो गैंगस्टर था, योगी है वो, योगी है। काहे के योगी हैं भाई? किस चीज के योगी हैं? क्या क्या कर दिया उन्होंने? ऐसा है, आप जिस ट्यून में बात करना चाहते हैं, जिस ट्यून में बात कह रहे हैं, मतलब जो ये कह रहे हैं अम्बेडकर वादियों ने देश को बांट दिया है, ऐसा है, भूल कर बात मत करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो आप जो हुक्का सलिए खड़े हैं, ये हुक्का सलिए खड़े हुए नहीं होते। नंबर एक, जो लोग यहाँ अधिकारविहीन थे, अधिकार क्या, वोट का किसी को अधिकार नहीं था, जो लोग यहाँ अधिकारविहीन थे उनको वोट का अधिकार दे दिया, जीने का अधिकार दे दिया, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से आज जो लोग मुंह मोड़ रहे हैं, वो लोग कल यहाँ जेल काटेंगे। उनको अच्छा है तो विरोध करने वाले, विरोध करने वाले वो लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं, यानी हीन और द्वेष से भरे हुए जो लोग हैं वो विरोधी हैं। उनकी वो चाहते हैं हमारा वर्चस्व बना रहे, समझे? क्यों उनको दिखाई दे रहा है? और रही आज आप मेरठ की धरती पर बात कर रहे हैं खड़े हुए, आप ये मेरठ की धरती जो है क्रांतिकारी धरती है, यहाँ से क्रांति हुई है। और मैं आपको बता दूँ, 14 ये जो मार्च का महीना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितने भी संघर्ष किए हैं, जितने भी संघर्ष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किए, वो मार्च से ही शुरू किए हैं, समझे नहीं? और ये मार्च में 5 मार्च से आज यहाँ मेरठ में ये शुरू हो गया है। और ये क्या हो गया, आपकी गिनती है नहीं, यहाँ कितने बौद्ध हैं? हैं देश में कितने बौद्ध हैं बताना? देश में इस समय 9 करोड़ बौद्ध की संख्या ज्यादा नहीं है। कहाँ, किसके पास, कहाँ से लाया? सबका रजिस्ट्रेशन है। कहाँ से डाटा लाया ये? कहाँ से? चुनाव आयोग को डाटा है, मेरा नहीं। हाँ, चुनाव आयोग को डाटा है, और चुनाव आयोग कहेगा हाँ 9 करोड़ बौद्ध हैं। ये तो बौद्धों की जो एक भूल है, ये देखिए ऐसा है, अमेरिका में यहूदी बहुत कम संख्या में है, उसके बावजूद यहूदियों के बगैर वहाँ की सरकार नहीं बनती, वहाँ का राष्ट्रपति नहीं बनता। यहाँ जो बौद्ध है वो डिवाइड ऑफ रूल में बट गया है, इस वजह से जो है आज हमारी ये दशा हो, जो आप कह रहे हैं कहाँ बौद्ध है, कहाँ से आप आगे लाए? हिंदू 100 करोड़ है, हिंदू 100 करोड़ नहीं, हिंदू तो 1 करोड़ भी नहीं है, हिंदू तो 1 करोड़ भी नहीं है, आप 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। देखिए जहाँ जातियाँ हैं, कितनी जातियाँ हैं, अगर सबको 1 करोड़ में बांट दिया जाए तो क्या वो कुछ करोड़ हो जाएंगे? लेकिन बौद्ध बौद्ध है, एक हिंदू बौद्ध हो सकता है, एक मुसलमान बौद्ध हो सकता है, एक सिख बौद्ध हो सकता है, जैन बौद्ध हो सकता है, ईसाई बौद्ध हो सकता है, लेकिन बौद्ध बौद्ध के अलावा कुछ नहीं हो सकता, वो सिर्फ बौद्ध रहेगा। लेकिन देश में तो मंदिर बन रहा है ना, ये मंदिर बन रहा है अयोध्या में। देखिए मंदिर तो तमाम बने हुए, सड़कों पर बने हुए, जितनी इसकी PWD की जमीन थी वो सारी हिंदू मंदिरों ने घेर ली है, ये इनकी रोजी रोटी है, ठीक है? इसीलिए इनको खतरा अगर है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से है, बुद्धवादियों से है, अम्बेडकर वादियों से है। वो बार बार कहते हैं कि हमें खतरा केवल इन्हीं लोगों से है, वो सिर्फ इसलिए कि ये यूनाइटेड हो जाएंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब की पूजा होनी चाहिए, है? नहीं, पूजा से कोई मतलब नहीं, एक विचारधारा। बुद्ध ने कहा मेरा धर्म समुद्र के समान है,
बुद्ध ने कहा मेरा धर्म समुद्र के समान है। जिस प्रकार बरसात के मौसम में छोटी छोटी नदियाँ अपना किनारा छोड़कर बाहर हो जाती हैं और वो सब जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं, उनका कोई नाम निशान नहीं रहता, इस प्रकार बुद्ध का धर्म है। तो यहाँ किसी का कोई विरोधाभास नहीं है, यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, समझे नहीं। हम तो कहते हैं जातिहीन, देख बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था वो जातिहीन वर्गहीन समाज की स्थापना करना था, लेकिन इनका जो सपना है वो जाति मजबूत करना, जाति मजबूत करना, देश फैलाना, आतंकवाद फैलाना। मैं तो कहता हूँ ये आतंकवादी हैं कौन जो केंद्र में बैठे हैं इस समय एट प्रेजेंट में, नहीं आतंकवाद जो कांग्रेस जो है वो आतंकवाद की माँ है। अच्छा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या दिक्कत है आपको है? हिंदू राष्ट्र होने से क्या दिक्कत? हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, हिंदू राष्ट्र का ये हिंदू राष्ट्र था तभी तो गुलाम हो गया था पहले, और ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा फिर गुलाम हो जाएगा, आपका क्या होगा फिर? हम तो देखिए हम ना कभी गुलाम थे और ना हैं और ना कभी रहेंगे, कभी रहेंगे भी नहीं। लेकिन बाबा तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ उसको, है जो बाबा है हिंदुओं के बहुत सारे। भैया आप यहाँ वो करने आए हैं डिबेट दे रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? पैसे की वजह से ना, रोजगार की वजह से। तो इनका भी रोजगार है, कौन अपना रोजगार छिनवाना चाहेगा? ये सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं है।